वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, फिलहाल अभी बैजनाथ की जो ट्रिप होने वाली थी उसका जो व्लॉग था वह थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने वह एडिट थोड़ा बहुत बचा है उसमें एडिटिंग जो है, और उससे पहले मैं यह वाला व्लॉग आपके बीच ला रहा हूँ क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे रिलेटिव्स का दिल्ली से कॉल आया था कि वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और साथ ही साथ 46 डिग्री से क्रॉस कर गया है टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा हो गया है, और साथ ही साथ लू बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही है उन्होंने बताया। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ का वेदर, हमारे उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का वेदर आपको दिखाने के लिए यह व्लॉग बना रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी हरियाली है, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बारिश की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, और इसी वजह से मैं भी ये वाली वीडियो यहाँ पे पहले अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे हम 10 मिनट बिना पंखे के रह नहीं सकते हैं, और दूसरी ओर हम देखेंगे हमारे उत्तराखंड में इतनी हरियाली है, इतनी खुशहाली है, क्योंकि अभी देखेंगे आप यहाँ पे पीछे का क्लाइमेट देखिए, एकदम यहाँ पे अभी ऊपर बादल लगे हुए हैं। दोस्तों, हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पे हो रही है और आप देखिए कितना प्यारा यहाँ पे जो क्लाइमेट है वह लग रहा है। सामने के जो पहाड़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आग लगी हुई थी काफ़ी तेज़, और अभी पूरी की पूरी आग जो है यहाँ पे बुझ चुकी है, क्योंकि एक बहुत तेज़ यहाँ पे झोंका अभी बारिश का आया था। अभी तो फिलहाल हल्की बूंदाबांदी है, और देखिए आप कितना प्यारा यहाँ का वेदर है, कितना अच्छा यहाँ पर मौसम हो रहा है। एक और हम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है और दूसरी ओर हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मैंने स्वेटर भी पहनी हुई है, इतना ठंडा हो रहा है। और दोस्तों, अभी मई का महीना स्टार्ट होने वाला है, पहाड़ों में आग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग जाती है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ हैं सभी शंकुधारी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा पिरूल गिरा रहता है। आप देखिए इधर भी पूरा पिरूल गिरा हुआ है, और जो भी पिरूल है आपको पता ही है कि पिरूल कितनी जल्दी आग पकड़ता है। एक जगह से अगर जंगल जलना शुरू हुआ तो पूरा दूसरी ओर तक पूरा का पूरा जल के कुछ ही घंटों में पूरा राख हो जाता है। इसी वजह से कई जंगली जानवर भी यहाँ पे मारे जाते हैं, और साथ ही साथ कई वनस्पतियाँ हैं जो हमारे पहाड़ों में पाई जाती हैं वह भी पूरी जलकर ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, अभी देखिए इस मौसम की वजह से, यहाँ पे बारिश की वजह से पूरे के पूरे जंगलों की आग भी यहाँ पर बुझ चुकी है, और साथ ही साथ यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, जान है तो जहान है, और अभी मैं आपको इसी का अच्छा एग्जांपल देता हूँ, और साथ ही साथ कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। दोनों चीज़ों को मैं एक साथ अभी रख के आपको बताऊँगा, क्योंकि देखिए हम दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हैं तो वहाँ पे हमें कई मूलभूत सुविधाएं हमें इजीली यहाँ पे मिल जाएंगी, बट अगर हम पहाड़ की बात करें तो हमें वहाँ पर कई मतलब जो मूलभूत सुविधाएँ हैं काफ़ी वो नहीं मिल पाती हैं, बट दिल्ली जैसी जगह में हमें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे हमें रोज़गार और कई मूलभूत सुविधाएं हमें मिल जा रही हैं, बट वहाँ पे हमें क्या है कि जितने भी मतलब पॉल्यूशन है और गर्मी है, ऐसी कई इससे होने वाली लू से कई जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। और भले ही हम वहाँ पे अच्छा रोज़गार कोई कर रहे हैं, तो हमें मतलब जितना भी हमारी सेविंग्स होंगी वहाँ पर, वह सभी की सभी हमारे जो स्वास्थ्य है अगर हमारा एक बार बिगड़ जाता है तो उसे ठीक करने में ही लग जाएंगी। बट दोस्तों, आप देखिए मेरे पीछे कितनी हरियाली है, कितने यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं झाड़ियों में, जबकि पूरी जंगली झाड़ियाँ हैं यहाँ पे ये, और देखिए पीछे कितनी हरियाली है, कितना अच्छा क्लाइमेट है, और इतनी अच्छी यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हुआ है। इस प्योर वेदर में जहाँ पे प्योर ऑक्सीजन मिल रही है हमें, प्योर एकदम अच्छी हवा मिल रही है बिल्कुल बिना पॉल्यूशन की, तो ऐसी जगह पे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम रह रहे हैं इतनी अच्छी जगह पे तो हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहाड़ पे मतलब जो वेजिटेबल्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, लोग दुकानों से लेने की बजाय खुद पे अपने घर पे उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे पूरे फूल के लिए एकदम अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, और दिल्ली जैसी जगह में, मुंबई जैसी जगह में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बट यहाँ पे देखिए ऊपर बादल लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, काफ़ी ठंडा यहाँ पर भी हो रहा है। मैंने स्वेटर पहनी हुई है, देखिए इसके अगर आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आपको अगर इतना अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। जान है तो जहान है, आपको मैंने यह भी बता ही दिया है, और अगर हम यहाँ पे हेल्दी एकदम रह रहे हैं पहाड़ में तो
खुद ही सोचिए कि हम आगे अपने अगर हमारी जान सही रहती है, हम अपना हमारी बॉडी हमारा स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहता है, तो हम आगे आने वाले टाइम में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ में बिजनेस की कमी है, पहाड़ में भी काफ़ी बिजनेस है, बस आपको तरीके ढूंढने होंगे नए नए बिजनेस करने के, आपको नए नए बिजनेस आइडियाज सोचने होंगे। दोस्तों जैसे कि हमें पता है हाल ही में भू कानून यहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ था, उसका रीजन भी यही था कि बाहर से जो शहरी क्षेत्रों से बड़ा तबका था, पूंजीपति वर्ग था, वह पहाड़ों पर जमीनें लेते जा रहा था और बड़े बड़े होटल वगैरह बनाते जा रहा था पूरे पहाड़ों को काट के। अब आप ही बताइए, अगर सारे पहाड़ भी कटने लग गए, यहाँ भी होटल बनने लग गए, तो शहर और पहाड़ में अंतर ही क्या रह जाएगा। अभी देखिए, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे इतना ज़्यादा रहना मुश्किल हो गया है, मुंबई दिल्ली और ऐसी इन जगहों में यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है लोगों का। पहाड़ में एकदम सभी लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एकदम प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे हैं। तो आप ही बताइए, तो बाहर के लोग यहाँ आके अगर सब बिजनेस सब ज़मीनें खरीद के पूरे पहाड़ों को काट के यहाँ पे अगर होटल रिसोर्ट वगैरह बना देते हैं, तो आप ही बताइए, पहाड़ तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो पहाड़ रहेंगे ही नहीं, वह भी पूरे जो शहरी क्षेत्र हैं वह बन जाएंगे। इसी वजह से भू कानून की बात हो रही थी, और मेरा भी आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी पहाड़ वापस आएँ और हो सके तो अपना कीमती समय निकाल कर आएँ और यहाँ पे देखें, घूमें, जानें, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है, वातावरण है, इतना अच्छा है, यह हम सभी को पता है। फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को व्यस्त बनाते जा रहे हैं, और अगर हमें यहाँ पे आना है, हम सभी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो दोस्तों समय तो किसी के पास नहीं होता है, समय हमें खुद निकालना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं, अगर दिल से चाहते हैं आना और खुली हवा में, इतनी अच्छी हवा में सांस लेना, तो हमें समय तो निकालना होगा, क्योंकि जब तक हम समय निकालेंगे नहीं, हम खुद अपने जो हमारा पहाड़ है उसे नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर हम दिल्ली जैसी जगह में, मैं खुद बताऊं, मैं अभी लास्ट वीक यहाँ पे दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ पे जो वहाँ का पॉल्यूशन था, वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, और मुझे खुद पे अभी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने पहाड़ में हूँ, और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे हरियाली हो रही है, और दिल्ली में बिल्कुल भी, मतलब हरियाली तो काफ़ी है, बट वहाँ पे पॉल्यूशन हरियाली का 10 गुना ज़्यादा मुझे लगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप लोगों को ज़्यादा बोर भी नहीं करूँगा, और वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। जल्दी हमारी कल तक, आई थिंक कल हमारी बैजनाथ वाली वीडियो भी आ जाएगी, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।